कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी ने ITFC नॉर्थ मेजर जनरल नूर वली खान के हमरा FC नॉर्थ की जानब से तामीर और बहाली के बाद चकतरा किले का इफ्तिताह किया। कोर कमांडर ने तारीखी वर्षे के तहफ्फुज़ के लिए FC नॉर्थ की कोशिशों को सराहा। कमांडेंट साउथ वजीरिस्तान स्काउट्स नेवाना में नाम बिर कबायली मशान से मुलाकात में इलाके में अमन इस्तेहकाम क्याम और नौजवानों को रोजगार फराहम करने के हवाले से मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक किया। तहसील दुसली के इलाके गिरदई में विंग कमांडर ने सब डिवीजन रजमा के DSP समेत दीगर पुलिस अहदेदारों से मुलाकात में इलाके की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और क्याम अमन के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। बाजोड़ के इलाके नवागई में असली हुकाम ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ढोरा का दौरा किया और तलबा से मुलाकात में निसाबी सरगर्मियों के फरोग और माशरे की तरक्की में साथ-साथ तलबा के किरदार पर रोशनी डाली। तहसील मीरानशाह के इलाके दरदोनी में मुकामी यूनिट कमांडर ने मुगल कोर्ट के मलिक मिश्रान से मुलाकात में इलाके में माशी सरगर्मियों के फरोग के हवाले से मौसर इक़दामात पर मशावरत की। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वोचाखुरा में मुकामी यूनिट कमांडर ने इलाके की मजमूई सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मुकामी लोगों से मुलाकात में इलाके में अमन अमान की अहमियत के बारे में बातचीत की। तहसील खवाजई के इलाके समाखी में सिक्योरिटी फोर्सेज के तआवुन से मुनक़िद फ्री मेडिकल कैंप में 750 मरीजों को मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की गई। नौजवानों में सेहतमंदाना सरगर्मियों को फरोग देने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के तआवुन से बनू में जश्न आजादी क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया जो 14 अगस्त तक जारी रहेगा।